फोर्थ है इसका अमाइन। देखो सुनो मेरे बात, अमाइन तीन होते हैं, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। कैसे पहचानो कौन 1, कौन 2, कौन 3 डिग्री का होता है? अगर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगे इसका मतलब कितना डिग्री अमाइन? 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन लगा हो तो कितना डिग्री अमाइन होगा? 2 डिग्री होगा। और अगर नाइट्रोजन से 1 भी हाइड्रोजन ना लगा हो तो कितना डिग्री अमाइन होगा? 3 डिग्री अमाइन। आई बात समझ में? तो 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री या 1 डिग्री 3 डिग्री आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समायवेश होते हैं। क्लियर है? नहीं देखो CH3 CH2 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 NH2। क्लियर? ये तो ये। अब क्या करें, नाइट्रोजन की डिग्री चेंज कर दो, नाइट्रोजन के बीच में लेके आओ, क्या बनेगा? CH3 CH2 NH CH2 CH3। कितना डिग्री अमाइन है? नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन 2 डिग्री अमाइन। क्लियर? CH3 CH3 N CH3 CH2 CH3, 1 हाइड्रोजन कितना डिग्री अमाइन है? 3 डिग्री। ये आपस में क्या है? ये क्रियात्मक समायवेश। ये आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म देंगे, ये आपस में क्रियात्मक समायवेश। क्लियर है? एक पर हो जाना है। ये तो अगला हुआ। फिफ्थ नंबर है CN साइनाइड, इसको नाइट्राइल बोलते हैं। इसका जो क्रियात्मक समायवेश होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, वो क्या होता है? NC। इसको बोलते हैं नाइट्राइल और इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। कब बोलते हैं साइनाइड? जब इसे कार्बन नंबर नहीं देते हैं तो साइनाइड बोलते हैं, तब देते हैं नाइट्राइल। ठीक है? तो नाइट्राइल का क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आपको समझ भी? आइसोनाइट्राइल। कैसे? देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH3 CN है, तो अगर इसका तुम लिख लो CH3 NC, तो ये क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्रियात्मक समायवी होंगे। आई बात समझ में? हो गया? जल्दी से करो। कार्बन सिंगल नाम सिंगल नाम सिंगल नाम ओके। नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए,
अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको हटा करके तो फिर दो डबल बॉन्ड लगा दे तो आपस में क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर क्रियात्मक समूह एल्काइन का एल्का डाइक्लिन होता है। अगर एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर क्रियात्मक समूह होता है तो वो होता है एल्का डाइक्लिन। क्या होता है एल्का डाइक्लिन होता है। देखो कैसे एग्जांपल है ये कौन सा सिक्स नंबर है ना एल्काइन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा होता है एल्का डाइक्लिन होता है। कैसे देखो एल्का एल्काडाइन का मतलब आपको कितने डबल बॉन्ड है दो डबल बॉन्ड। कैसे देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 अगर किसी कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है और उसको हटा करके उसको हम दो डबल बॉन्ड लगा दें ये आपस में क्या कहलाएंगे क्रियात्मक समायोजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपस में ये आपस में क्रियात्मक समायोजी कहलाएंगे क्लियर है फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। ओके नेक्स्ट है जैसे यहां पे क्या है ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। अभी एरोमेटिक कंपाउंड के कार्बन से क्या लगा है तो ये भी कैसा है एल्कोहल है ये एरोमेटिक एल्कोहल। हम क्या करें हम यहां पर CH2OH लगा इसको हटा के यहां ले गए तो अब इस किस कार्बन से लगा है ये एरोमेटिक कार्बन से नहीं लगा है ये दूसरे कार्बन एलिफैटिक कार्बन है समझ संतृप्त कार्बन है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे फंक्शनल आइसोमर्स होंगे क्रियात्मक समायोजी। नोट करो तो सेट वगैरह नाम है सेट वगैरह और तो फिर सॉल्व ना अच्छा ये नोट करो एलकाइन का ग्रेडिएंट ना जैसा आपने ये लिखा है एलकाइन का ग्रेडिएंट इसे कर देंगे एरोमेटिक कंपाउंड से एलिफैटिक ये गोल कैसा है ये वर्टिकल को वाला है इसका आंसर चुका है देखो बेंजीन एरोमेटिक होती है क्लियर एरोमेटिक नहीं एलिफैटिक एरोमेटिक नहीं एरोमेटिक तो ये है मतलब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर डाले बेटे मध्यावयता समावयता मेटामेरिज्म मध्यावयता समावयता मेटामेरिज्म मेटाबॉलिज्म मध्यावयता समावयता देखो क्या होता है इसमें ऑक्सीजन सुनना इसमें ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ ठीक है टू डिग्री हमारे इनके जो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं मिथाइल इथाइल ग्रुप मिल रहा है उनमें क्या होता है या कह सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या होता है चेंज होता है। क्लियर है तो अलग से लिख लो दो कार्बनिक कंपाउंड वह कार्बनिक होंगे
दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन कार्बनिक यौगिक विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू change in number of carbon atom along both side of polyvalent functional group kyunki valence 6 se zyada hogi along both side of polyvalent functional group dekho why carbonic yogi jisme बहुसंयोजी परमाणु बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन परमाणु में बदलाव हो जाते चेंज होते हैं क्या कहलाते हैं सर लास्ट में क्या था सर ये ड्यू टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ग्रुप चेंज नहीं होता देखो एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3 अभी इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितने कितने कार्बन है दो दो कार्बन है एक तरफ तीन कर दो तरफ एक कर दो ये क्या बन जाएगा आपस में ये हमारे होंगे मेटामर्स होंगे क्या होंगे मध्यावयवी समायोजन मेटामर्स ये दोनों आपस में क्या होंगे क्योंकि देखो यहां पर इस ग्रुप के दोनों तरफ क्या चेंज हो रहा है सर कार्बन एटम तो चेंज हो रहा है और तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है एक तरफ एक कार्बन तीन कार्बन एक तरफ दो कार्बन एक तरफ दो कार्बन तो ये दोनों आपस में क्या होंगे मेटामर्स होंगे क्लियर है अगला एग्जांपल देखो अभी ऑक्सीजन की इस तरफ CH3 की तरफ ये हो एक काम करो CH3S डबल बॉन्ड O अब ऑक्सीजन की तरफ क्या आ गया फिनाइल ग्रुप आ गया कौन आ गया फिनाइल ग्रुप आ गया मतलब देखो क्या चेंज हो गई क्या चेंज हुआ केवल ग्रुप चेंज हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर अभी एक कार्बन था कितने हो गए छह कार्बन कितने हो गए छह कार्बन तो ये आपस में क्या होंगे मेटामर्स होंगे अभी कितने थे यहाँ अब कितने हो गए प्रायः बिल्कुल दिमाग तो फोक रहा है आपने मतलब वो कराया कि स्पॉयलर्स हो गया आपने तीन से पूछ लिया थोड़ा टफ है दिमाग खोल के समझ सब के बस की बात नहीं है इसमें टॉट नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में
चला वयता समवाय, टॉटोमेरिज्म चला वयता, चला वयता समवाय। टॉटोमेरिज्म चला वयता समवाय, कब सो करता है कब नहीं करता, इन सब की बात करनी। देखो भाई, या इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मतलब कीटो इनॉल चला बैठा समाता, क्या बोलते हैं चला बैठा समाता, या बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसका दूसरा नाम होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देख दे रहा हूं, कीटो इनॉल इसके एक तरफ क्या होना चाहिए कार्बन या तो हाइड्रोजन, लेकिन एक तरफ क्या होना चाहिए कार्बन ही होना चाहिए, और उस कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो प्रोटोमेरिज्म नहीं देगा, क्योंकि ये जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन होता है अल्फा, और इससे लगा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ एटलीस्ट, देखो एक तरफ कार्बन होना हो चलेगा, लेकिन एक तरफ क्या होना चाहिए, दोनों तरफ में तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक तरफ तो होना ही चाहिए, और उसके पास वो कैसा कार्बन होना चाहिए sp3, अगर ये बगल वाला कार्बन sp2 हुआ तो अल्फा नहीं होगा, sp3 वाला कार्बन ही अल्फा कार्बन होता है, sp3 के 1 2 3 4 बॉन्ड लगे, 3 और 4 कितना होता है 4 होता है, sp3 होना चाहिए, क्लियर है आ गया। अब होता क्या है, इसको बोलते हैं या तो कीटो या तो एल्डिहाइड फॉर्म, इसमें होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये उठ के कहां जाता है, इसके पास H बन जाता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहां जाता है, क्या बन जाता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लग जाता है, यहां क्या हो जाता है OH, और यहां जो भी लगा होता है, देखो ये डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, ये क्या है ठीक है, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, दोनों मिला तो क्या बन गया, इसे बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्या होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, समझ में आई बात, ठीक है। देखो सर हम इसमें ये लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऐसा अभी वहां बन जाओ सर, ये लोग का कीटो होता है क्या, क्यों नहीं जाएगा सर, क्या होगा, तो अभी बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, सोते में कोई पूछ लेगा कीटोनॉल देगा कि देगा, सोते में बता दूंगा ठीक है, कितना बड़ा से बड़ा कंपाउंड देगा समझ में, उसकी ट्रिक होती है, तुमने नहीं पढ़ी इस बात को लेके आया हूं, क्यों बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, दिख रहा है कितना, मेरे को आता ही नहीं स्टार्टिंग में, वो अच्छे नहीं दिखते हैं पढ़ा बहुत मस्ती रखता हूँ कर रहा हूँ ना हजार दिन में दिखो जी, देखो एग्जांपल दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता क्या है, sp2 कार्बन, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, बहुत अच्छी बात है, तीन तीन आइटम, तीन आइटम के तो बोलते हैं अल्फा कितने अल्फा है sp2 और तीन छह अल्फा, हमें हटाना एक है यार, तो छह निकल बहुत अच्छी बात, एक उसी एक को हटाओ तो हाइड्रोजन निकल, यहां हाइड्रोजन निकलेगा यहां जाएगा डबल बॉन्ड यहां आएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये क्या हो गया इनॉल कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसे ही बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो
आप लोग नोट करो, मैं इनको बोल देता हूँ, फिर ये नोट करेंगे आपको और भी देते हैं यार। हाँ, NO2 भी देता है। देखो यह एक तरह की, आप लोग ये नोट करो, यह एक तरह की क्रियात्मक समवयता है। देखिए क्या चेंज हो रहा है, फंक्शन ग्रुप चेंज हो रहा है। यह एक तरह की क्रियात्मक समवयता है जो कि दोनों तरफ रहती है, मतलब फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी जाता है, दोनों रिवर्सिबल का साइन है। हाँ तो ठीक है, दीदी टाइम नहीं पता था, सो रही थी ना? नहीं सर, सो भी रहे थे, टाइम नहीं देखा मैंने। साइन लो, कहीं बैठ जाओ। सही चीज है तो लगाऊंगा। हाँ मैं लगाऊंगा आके सुबह, है ना रजत? राजा इस कीटो फॉर्म इस कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म इस कन्वर्टेड इनटू इनॉल फॉर्म। इसमें जो कीटो फॉर्म होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? इनॉल में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? वाइट वर्जन एग्जांपल लिख सकते हैं, लिख लो बस, लिख सकते हैं। नोट करो जल्दी से, हो गया दोनों का, हो गया नोट लिख लो, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप बनाओ क्या बताओ, बनाओ तुम्हारे बनाओ, तो इतना नहीं मेरा बनाओ, तो टाइम तो बढ़ गया, कितना खिंच गया आज बताओ। तो ये यार साइन वाला रिवर्सल का एक और किस में ले सकता हूं, वो तो आई नो बैंड पर लगा है क्या, सिर्फ इसी में लगता है। तो मैं बता सकता हूं अगर सर वो ए आई टी से नहीं लगता सर, तो इसे डायरेक्ट इक्विलिब्रियम होता है सर, एनो को भी लगा। अरे रुक जाओ, मुझे पता है 11 कंपाउंड देते हैं तुम्हें, एनो के पास क्या ही 11 देते हैं, एमएससी पढ़ो 11 देते हैं। एमएससी नहीं करो लेकिन पूरी किताब पढ़ी है, बताऊंगा तुमको जब छोटे तब बताऊंगा। नाइट्रो से बनाता है इसमें, देखो वन ट्रिक होती है, एक्स डबल वन ट्रिक में नहीं बताइए, बताऊंगा ट्रिक। अगर वो कहीं लगे थोड़े ही कोई भी कंपाउंड अगर वो ट्रिक लग रही है तो देगा हमेशा। देखो ये दो तरह की होती है, एक होती है डायट सिस्टम, एक होती है ट्रायड सिस्टम, हिंदी डायट बोलते हैं ठीक है, और ट्रायड इंग्लिश हिंदी भी ट्रायड बोलते हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको समझा दूं, समझाऊं कैसे, पहले सोचाऊं समझाऊं। ये दो तरह की होती है, फर्स्ट वन डायट सिस्टम, इसको हिंदी में डायट बोलते हैं, डायट बोलते हैं इसमें, डायट सिस्टम, और दूसरा होता है ट्रायड सिस्टम। हमें पढ़नी कौन सी हुई? ट्रायड सिस्टम, ठीक है। इसके आगे लेक्चर से करेंगे, थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू। कल ये खत्म होके स्टूडियो शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना मॉडल बाहर से लेना, निकलते हैं। थैंक यू सर, कम